कैमरा पे पहला इंटरव्यू होगा आपका ये, और नए लुक के बाद। ये सही बात है। अभी तक लोगों ने सिर्फ आपको बुलेटिन पेश करते हुए सुना होगा। वैसे ये थार का शौक कैसे चढ़ा? थार का शौक कैसे चढ़ा? थार एक्चुअली आई थिंक इलेक्शन कैंपेन्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और इसकी एक अलग तरह की विजिबिलिटी होती है। तो हमने ये नोटिस किया था कि जब भी हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, तो जब आप गाड़ी में जाते हो नॉर्मल, तो आप ओनली जिस पॉइंट पे आप पहुँचते हो वहाँ पे आप लोगों से मिल पाते हो। तो थार में ये है कि थार क्योंकि हर तरफ से खुली होती है, आप जाते जाते लोगों से मिलते जा सकते हैं। तो ये थार का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये आम आदमी पार्टी वालों की ज़िंदगी ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट ही हो रही है, पब्लिक लाइफ गाड़ी में भी पब्लिक लाइफ। नहीं पर आपको कभी इसमें मुसली खानी हो या कुछ नाश्ता वास्ता करना हो तो वो तो बड़ा पब्लिक हो जाएगा, ये तो पब्लिक स्पेस जैसा लग रहा है ऑलमोस्ट। देखिए आम आदमी पार्टी वालों की, इनफैक्ट वैसे तो टू बी फेयर ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिशियंस की लाइफ काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो ही जाती है। अच्छा। दैट क्योंकि आपकी फिर सारी लाइफ पब्लिक डोमेन में होती है, कोई भी ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ के बारे में जो पब्लिक में नहीं है ऐसी रहती नहीं है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप किससे बात करते हैं, ये पूरी बात पब्लिक में रहती है। बट थार में चलने का अपना मज़ा है, और आप बता सकते हैं थार चलाने का भी अपना मज़ा है। मज़ा तो है। ये बात बताओ, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, रोड स्कॉलर, आपने टीचिंग भी की है आंध्रा में, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर, दिल्ली सरकार में 1 रुपए की सैलरी और उससे भी निकाल दी गई, ये क्या जिंदगी चुनी है आपने अपने लिए? सही बात है। जिस दिन जब मैं 1 रुपए की सैलरी पे काम कर रही थी, एक दिन मेरे फादर मजाक में कहते हैं इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया। तो ओह माय गॉड, क्या बीती होगी उनके दिन पर। एक्चुअली आप देखिए, शुरू से ही बचपन से ही इस तरह का इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन रहा है मेरा। अच्छा। मैं जैसे परिवार से आती हूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अच्छा। पर पढ़ाने के अलावा वो बहुत सोशली एक्टिव भी थे, और बहुत सारे सोशल इश्यूज को टेकअप करना, कोई भी परेशानी में है उसको मदद करना, सोशल मूवमेंट्स के साथ इन्वॉल्व होना। तो ये जो 1 रुपए की तनख्वाह वाली बात है, हो सकता है कि और लोगों को बहुत बड़ी बात लगती हो, लेकिन हमने बचपन से ऐसे लोगों को अपने घर में देखा है जिनके पास कोई नौकरी नहीं थी, जिनके पास कोई सैलरी नहीं थी, जो फुल टाइम किसी मूवमेंट में काम कर रहे थे, जो ट्रेड यूनियन में काम कर रहे थे, एनजीओ में काम कर रहे थे। तो शुरू से ही हमने ऐसे लोगों को समाज में कुछ करते हुए देखा। तो मैं ये कहूँगी कि शायद उस तरह से एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थोड़ा अलग था मेरा बैकग्राउंड। कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार में क्या होता है कि आप पढ़ाई करो, अच्छे से नौकरी करो, मोटी सी सैलरी पाओ, ये एक आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी होती है। पर शुरू से ये तो मेरे मन में था ही कि समाज के लिए कुछ करना है, एंड वही जर्नी शुरू हुई। उसी जर्नी के तहत मैंने ऋषि वैली में पढ़ाया भी, उसी जर्नी के तहत और ये बात शायद कुछ लोग कम लोगों को पता भी है, पर मैंने 6 साल मध्य प्रदेश के गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करी है। अच्छा। और जी तो ऑर्गेनिक से आपका भी कनेक्शन है? आपको मालूम है मैंने 3 साल ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ काम किया है। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। हरियाणा में। और तो 6 साल मैं वहाँ पे गांव में रही, और हम लोग गांव में रहते थे। अच्छा। एंड वहीं पर हमारा घर भी था, वहाँ पे लोकल स्कूल के साथ काम भी करते थे, वहाँ पे पंचायत ग्राम सभा वगैरह के साथ भी काम करते थे। आगे डिस्कस करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। बात कर रहे थे हम, ऋषि वैली में कितना समय पढ़ाया आपने? मैंने 1 साल पढ़ाया है। क्या पढ़ा? मैं हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाती थी। बेसिकली मैं जब ऑक्सफर्ड में पढ़ रही थी, तो तब तो यही प्लान था कि आगे पीएचडी करेंगे,
पढ़ाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, और मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद भी थी. एंड मेरे पास तब एमए के बाद पीएचडी का एडमिशन भी था. पर ये वो साल था जब यूएस और तब जब वॉर अगेंस्ट इराक हुआ था, आई थिंक 2003 की बात है. और हम सब स्टूडेंट थे, एक्टिविस्ट तो हम थे ही पहले से, तो हमने जो एंटी वॉर प्रोटेस्ट हुए थे उसे बहुत बड़े स्केल पे किया था. एंड मुझे याद है 2 फरवरी था 2003 को, जब पूरे दुनिया भर में कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट हुए थे 15 फरवरी को, और लंदन में 2 मिलियन लोग, आज 20 लाख लोग उस छोटे से देश में सड़क पे उतरे थे कि यूएस को और इंग्लैंड को इराक पे अटैक नहीं करना चाहिए. और फिर भी उससे कुछ हुआ नहीं. एंड आई रिमेंबर दैट एज अ स्टूडेंट, 20-21 साल की रही होंगी मैं, तब इस पे बात से काफ़ी झटका लगा था कि इतने सारे लोग भी अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो सरकार पे, दुनिया की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो आई थिंक उससे मैंने अपनी लाइफ को फिर से रीथिंक करना शुरू किया कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कुछ चेंज आ सकता है. तो तब लगा था कि शायद एजुकेशन से कुछ बदल सकता है. एंड उसके बाद फिर ऋषि वैली में पढ़ाना हुआ. ऋषि वैली में बड़े इंटरेस्टिंग रीज़न से जाना हुआ. तब मैं ऑक्सफर्ड में पढ़ती थी, तो वो समय ऐसा था कि तब इंग्लैंड से इंडिया की कॉल्स बहुत महंगी होती, तब तक स्काइप और वीडियो कॉल्स शुरू नहीं हुई थी. तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड का बेटा था, वो यूएस में पढ़ रहा था, उसने पीएचडी कर रहा था वहाँ पे, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मैं जानती थी, जिसने मेरी तरह जिसकी लाइफ के बारे में हमेशा बहुत सवाल रहते थे, और यूएस को कॉल करना बहुत सस्ता होता. तो मैं अक्सर उन्हें कॉल करके उनसे लाइफ एडवाइस लिया करती थी कि क्या करूँ अब. और उन्होंने अपनी मास्टर्स के बाद ऋषि वैली में पढ़ाया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वहाँ पे जाओ, देखो, एक्सप्लोर करो. तो लिटरली अपना मास्टर्स का एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद, जिस दिन मेरा आखिरी एग्ज़ाम था उसके 8वें दिन मैं ऋषि वैली में पढ़ा रही थी. एंड मैं इंटरेस्टिंगली कभी ऋषि वैली, टिल आई एक्चुअली रीच टू टीच देयर, मैं गई नहीं थी. और ऋषि वैली एक क्या कहें, मिडल ऑफ नोवेयर जगह में है, और मैं हमेशा दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पढ़ी, बड़ी फसल बसल में ज़िंदगी जी, उसके बाद 2 साल इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद सीधा ऋषि वैली पहुँची, जहाँ पे नियरेस्ट कस्बा 22 किलोमीटर दूर था. तो पर अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. तो कह सकते हैं कि अतिशी लीडर इन मेकिंग स्टार्टेड इन 2003. ये तो कहना, मतलब इसका क्या कहा जाए, आई थिंक लीडर इन मेकिंग से ज़्यादा आई वुड लाइक टू से चेंज मेकर इन द मेकिंग. एंड द चेंज लाने की ज़रूरत है, दैट हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स पर्सनली इन माई लाइफ. लोकेशन कैसी लगी आपको, मैं सबसे फीडबैक जरूर लेता हूँ. डेफिनेटली बुद्धा जयंती पार्क, मैं एक्चुअली दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो बुद्धा जयंती पार्क दिल्ली के एक लैंडमार्क प्लेसेस में से है. इनफैक्ट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, एक बार जब मैं 5-6 साल की थी, तो शायद मेरे या मेरे सिस्टर की बर्थडे पार्टी मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे करी थी. अरे वाह, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है. तो बुद्धा जयंती पार्क इज़ वेरी मच दिल्ली के कुछ ऐसे लैंडमार्क्स हैं, जैसे हुमायूंस टूम हो गया, बुद्धा जयंती पार्क हो गया. सो इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन दिल्ली. सो अब आगे क्या प्लान है आपके? आगे क्या प्लान है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. कई सालों से जैसे मैं देखती हूँ कि मैं इनफैक्ट जब पार्टी में भी आई, मुझे आता है 2014 की बात है शायद, कि एक बारी हमारे एक साथी ने पूछा कि तुम्हारा पार्टी में क्या प्लान है. मैं उस क्वेश्चन से बिल्कुल बहुत देर तक मैं सोचती रही हूँ, देन फाइनली मैंने बड़ा सोच के कहा, मैंने कहा कि तुम्हें लगेगा कि आई एम पुटिंग दिस ऑन, पर एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं है. एंड आई थिंक दैट इस पार्टी में भी, एक तो जब हम आए, और ये आपके लिए भी सही है, जब हम इस पार्टी से जुड़े तब तो ये पार्टी भी नहीं थी, तभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट था, और ऐसा कोई पॉलिटिक्स में आने का प्लान भी नहीं था. कि तो इसलिए पॉलिटिक्स में आना भी इसलिए हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी बन गई. एंड मुझे लगता है कि एज विद एवरीथिंग एल्स, जैसे मैं कह रही थी कि चेंज मेकर इज़ हाउ आई वुड लाइक टू सी माय सेल्फ, मुझे लगता है कि जो इस पार्टी को सक्सेसफुल कराने के लिए ज़रूरत है वो हम करेंगे. तो इनफैक्ट आई थिंक जब से मैं इस पार्टी में आई हूँ, आम आदमी पार्टी भी एक स्टार्टअप की तरह है, और स्टार्टअप में जैसे सब लोग हर तरह का काम करते हैं, वैसे हमने भी हर तरह का काम किया है, और जिसमें शामिल है तब चाहे मीडिया का काम हो, चाहे कैंपेन मैनेजमेंट का काम हो, चाहे इलेक्शन लड़ने का काम हो, अब तो सरकार में काम करने का काम हो, तो जैसी जो ज़रूरत होगी वो करेंगे. हम जितने स्पॉन्टेनियस होते हैं, जितने नाव में जीते हैं, उतना हम
कई बार बहुत अच्छा कर जाते हैं, बहुत प्लानिंग करने में, बहुत सोच कर कदम उठाने में हम लड़खड़ा जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है हमारे अंदर जो दरक जाता है इस चिंता में कि हमारा भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है। पर कभी तो कुछ तो भविष्य की चिंता सताती होगी, फाइनेंशियली और भी 10 चीज़ें होती हैं इंसान को कि यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या हो गया। आम आदमी पार्टी वालों को नहीं सताती क्या? मतलब सब लोग अपना करियर छोड़ छाड़ के 1 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं, उससे निकाल दिए जा रहे हैं, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतोगे हारोगे। आप एक चुनाव लोकसभा का हार चुकी हो, एक चुनाव विधानसभा में जीत चुकी हो, कितना मतलब कभी तो मन में डर पैदा होता होगा। एक्चुअली इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है बिकॉज ये हमारे खासकर जैसे मैं कोई बहुत ऐसे वेल ऑफ बैकग्राउंड से तो आती नहीं हूँ, और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हमेशा ये कहा जाता है भाई फ्यूचर को सिक्योर करो। मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडफादर ऑलमोस्ट टिल ही वाज ऑन हिज डेथ बेड मुझे कहते रहे बेटा सरकारी नौकरी कर लो, तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी डिग्री है, सरकारी नौकरी करो, पेंशन होगी, पीएफ होगा। लेकिन देखिए इंसान की लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मीनिंग, कि हमें हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हमें लगना चाहिए कि भाई हम कुछ कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े कॉलेज में पढ़े वो आज बहुत सारे दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, दे आर प्रॉबेबली मतलब मुझे तो ये भी नहीं आइडिया है कि उनकी सैलरी चेक में कितने जीरोज़ लगते हैं, उनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े मकान हैं, लेकिन सब आज के दिन में जैसे मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं उसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई अब कर लिया अचीव, अब घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, सैलरी भी हो गई, पेंट हाउस पे जो मकान लेना होता है वो भी अब हमारे पास आ गया, लेकिन अब क्या। एंड आई थिंक दैट आम आदमी पार्टी में काम करने से और जो हम चेंज लेके आए हैं उससे एक डेफिनेटली एक सेंस ऑफ मीनिंग है। और मुझे लगता है कि जब जो ये फीलिंग है कि आप सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग लार्जर देन योर सेल्फ फॉर पीपल अराउंड यू। एंड मुझे याद है लास्ट कुछ 2-3 साल पहले एक समय था जब हम बहुत हमारी सरकार एक बहुत स्ट्रगल से गुजर रही थी और सरकार में काम नहीं हो पा रहा था, हर तरह के केसेस हो रहे थे। तो मुझे याद है मैं मनीष जी के साथ एक दिन हम लोग गाड़ी में बैठ के ऐसे ही बात कर रहे थे कि अभी पता नहीं क्या होगा, सरकार काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पार्टी का क्या फ्यूचर है। एंड आई रिमेंबर एक बात जो हमारी बातचीत में निकल के आई वो था हम लोग ये बात कर रहे थे कि देखो और कुछ लाइफ में हम इसके बाद मान लीजिए नहीं भी कर पाए, लेकिन भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि 5 साल हम दिल्ली के 15-20 लाख बच्चों की ज़िंदगी पे असर डाल पाएँ। कितनी बड़ी बात, ऐसा मौका भी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल पाता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स ऑल ऑफ अस। मैं ये देखती हूँ कि जब से मैं इस पार्टी में आई हूँ और जब से हमने ये सोशल काम करना शुरू किया है, मैं तो कहूँगी कि हमारा सपोर्ट सिस्टम इनफैक्ट बढ़ा है। बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी में जो एक तरह से हमारे परिवार का हिस्सा बन गए, जिनको हम कभी जानते भी नहीं थे। जैसे अगर मैं पिछले साल भर में देखूं, तो पिछला साल भर मेरे लिए पर्सनली काफ़ी एक मुश्किल साल रहा है। मेरे पेरेंट्स की तबीयत काफ़ी ख़राब रही है, इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर ऑलमोस्ट 4-5 बार मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हुए हैं। और इस फेज़ में ये समझ में आया कि इतने लोग साथ में खड़े थे, और ये ऐसा दौर था जब कोविड का समय था, कोई हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन हमारी टीम के लोग, पार्टी के लोग, साथ काम करने वाले लोग रात भर मेरे साथ हॉस्पिटल में खड़े हैं। मेरे फादर एक बार ही बीमार थे, उनको फीवर था, हॉस्पिटल लेके जाना था और एम्बुलेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमारे एक साथी ने लिटरली उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल लेके गए। और एक समय जिस समय पे कोविड में अपने परिवार वाले साथ नहीं खड़े हुए हमने देखा है, वहीं पर हमारी टीम के लोग, हमारे साथी, हम लोगों की तरह एक परिवार से भी बढ़कर आगे साथ में खड़े रहे। ये सबसे बड़ी एसेट है। बिल्कुल, सबसे बड़ी उपलब्धि है हम कह सकते हैं, कि नहीं तो लोग सेक्लूडेड जी रहे हैं, कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं आइसोलेटेड महसूस करते हैं, हर सैटरडे संडे उन्हें कोई रीज़न चाहिए खुद को खुश रखने का, और लाइफ मतलब जितने फैमिली वाले लोग हैं टूट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ऐसे में यदि आप लोग दुनिया के लिए अच्छा करते हो, लोगों के लिए अच्छा करते हो, लोग आपके साथ एसोसिएट करें, ये जी पाना मतलब सोचना समझना देखना कैमरे के पीछे से तो अलग है, पर इसको जी पाना बड़ा मुश्किल है, और ये आप लोगों ने किया। अच्छी मुझे नहीं लगता मुश्किल है, मैं तो कहूँगी दूसरी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, जो आप एक मेन स्ट्रीम ज़िंदगी देखिए उसमें जो लोग अकेलापन आइसोलेशन महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग जब सुबह सो के उठते हैं तो हमें लगता है कि
we have a meaningful day ahead. Like, there are so many things to be done, there are so many things to be achieved. और I think at the end of the day, जब आप चाहे दिन हो, चाहे बीता हुआ साल हो, चाहे बीते हुए पाँच साल हो, जब उसको लुक बैक करके देखते हो, आपको लगता है कि हमने कुछ अचीव किया. तो आई थिंक उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको कोई रिप्लेस नहीं, कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता. I don't agree with the fact कि हमारी लाइफ मुश्किल है. मुझे तो लगता है हमारी लाइफ बहुत अच्छी है. क्वेश्चन पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग ये रिस्क उठाने से डरते हैं कि पॉलिटिक्स में क्यों इन्वॉल्व हुआ जाए, गवर्नेंस में क्यों इन्वॉल्व हुआ जाए, सोशल वर्क में क्यों इन्वॉल्व हुआ जाए, बिकॉज वो डरते हैं कि हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारी पर्सनल लाइफ का क्या होगा, हमारा जो करियर है स्टेबल उसका क्या होगा यदि हमने कुछ कदम उठाया तो. और ये हौसले की ज़रूरत मुझे लगता है कि इस समय में बहुत लोगों को है. एज अ टीचर कितना शेप किया उस समय ने आपकी लाइफ को? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए. मैं जब टीचर थी उससे पहले जस्ट मैं कॉलेज में थी, मैं ऑक्सफर्ड में पढ़ रही थी और सीधा जाकर पढ़ाने लगी. एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ कि वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, अक्सर ये सवाल होता है बच्चे कितना क्या पहने, कैसा ड्रेस करें, और कितना ड्रेस अप होना इज़ ओके नॉट ओके एट्सेट्रा. एंड मैं जब वहाँ पे पढ़ा रही थी, मैं तब कॉलेज से नहीं गई थी, तब मैं बहुत मैं बड़े बड़े सिल्वर के झुमके पहनती थी. आई हैड लाइक इयर रिंग्स बड़े बड़े तरह तरह के. हाँ. एंड तो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी दैट जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, आई यूज़ टू टीच क्लास 8, 9 एंड 11, तो उस क्लास की सारी लड़कियों ने भी बड़े बड़े सिल्वर की इयररिंग्स पहनने शुरू कर दिए. क्या बात है, ट्रेंड सेटर. हाँ, नहीं पर वो इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए थी कि मेरे आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम, इट इज़ हाउ आई एम लिविंग, व्हाट आई वेयर, व्हाट आई ड्रेस, व्हाट आई से, एवरीथिंग दैट हैज़ एन इम्पैक्ट. और शायद वो मेरी लाइफ के लिए एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो हम बात कहते हैं उसका दूसरों पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट इट इज़ फार मोर देन जस्ट दैट, इट इज़ हाउ वी लिव. और किसी ने हमारी एक बहुत ऐसी ये चर्चा में किसी से शेयर कर रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कोटेशन बताई. मुझे अक्सर कोट्स याद नहीं रहती हैं, पर ये मुझे याद रही थी, वॉट यू डू इज़ सो लाउड दैट आई कांट हियर वॉट यू से. सो जैसा हम जीते हैं उसका लोगों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. एंड आई थिंक ये मेरे लिए टीचिंग से एक बहुत बड़ी लर्निंग निकल के आई, क्योंकि आप बच्चों के साथ काम कर रहे थे. एंड आई थिंक इवन सो इन पॉलिटिक्स एंड इन पब्लिक लाइफ, आई थिंक इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ एज विद अ टीचर, वहाँ पे बच्चे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे आपके आसपास के लोग, दुनिया, समाज, यूथ इज़ लुकिंग एट यू. तो शायद और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है दैट हम कैसे जिए, हम क्या डिसीजंस लें. सही बात है, बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं जो हम, जैसे हम अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जैसे हम अपनी लाइफ जीते हैं. एंड वाई जस्ट बच्चे, मतलब हम भी देखें अपने आसपास वालों से, तो हम भी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ पॉलिटिक्स का, एक एग्जांपल देती हूँ. अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे के साथ कुछ कर देंगे? और लेकिन मैं देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए शायद डर नहीं लगता क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल जी को देखते हैं, उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता. एंड या एग्जैक्टली, बट आई थिंक दैट वही एक, और हम एज अ बॉस, एज अ सीनियर, एज अ लीडर वो देखते हैं, तो वही फिर कल्चर बन जाता है. एंड इट इज़ जस्ट एज ही हैज़, इफ यू सी, अगर आप आम आदमी की पॉलिटिक्स देखो, आप अरविंद जी की पॉलिटिक्स देखो, तो वो एक फियरलेसनेस से ड्रिवन रहती है. और वही फियरलेसनेस उनकी देखा देखी, मुझे नहीं लगता कि हम इतने फियरलेस थे शायद जब हम आए, पर जब हमारे आसपास वाले ऐसे जी रहे होते हैं तो नेचुरली हम भी वैसे हो जाते हैं. सो आई थिंक इट इज़, we learn far more from how people are living than just from what they are saying. आपने अरविंद जी का नाम लिया, मतलब सबसे फियरलेस बन सकते हैं उनका फियर बहुत कुछ हमसे वही करवाता है. मुझे याद है कि मेरे रूम में एक उनकी तस्वीर थी, और वो बहुत ऐसी तस्वीर होती है ना कई बार जो कहीं भी आप देखो ऐसा लगता है आपको ही देख रही है. तो मतलब मैं खाना खाता था कभी रूम में, तो मुझे लगता था वो देख रहे हैं, वो देख के खाना खाने में की स्पीड रुक जाती थी, देख के याद करवा रहे हैं कि वो जो मोहल्ला क्लिनिक से काम था वो हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ. ओह माय गॉड, ओके. सो अब ये एक व्यू देखिए आप गार्डन का, इतनी ग्रीनरी,
सुबह पार्क जाते हो आप पर्सनल लाइफ में? मिलता नहीं। जब मैंने सौरभ का इंटरव्यू देखा तो आपने सौरभ से पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा मैं सुबह सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ। और मैं सोच रही था मेरा भी मन है कि मैं एक दिन किसी को कह सकूँ कि ना मैं सुबह सुबह उठ के जिम जाती हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। पर सच्चाई ये है कि मैं बहुत मुश्किल से सुबह उठती हूँ। तो ये वेट लूज कैसे किया आपने, ये तो बताइए, जनता जानना चाहती है कि वेट कैसे लूज किया, 12 किलो वजन कैसे लूज किया आपने? वैसे 13 हो गया है। माय गॉड, ओके। लास्ट हमने डिस्कस किया था इसके बारे में तब तक 12 था, बट बहुत जल्दी नहीं, बहुत जल्दी नहीं, कुछ महीने हो गए आई थिंक। बेसिकली अगर आप देखिए, जब हम पॉलिटिक्स में होते हैं ना, जब हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स की अपनी कॉस्ट होती है, पॉलिटिक्स का अपना बहुत इरेटिक लाइफस्टाइल होता है। आप सुबह कितने बजे आपको उठना पड़े, कब खाएं कब ना खाएं, कितने बजे दिन ख़त्म हो। अच्छा, दूसरा पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते। आप किसी के घर गए, उन्होंने आपको चाय ऑफर करी तो आपको पीनी पड़ेगी, उन्होंने आपको समोसा जो तला हुआ आलू से भरा हुआ, मन तो अपना भी करता है, जब उन्होंने ऑफर किया तो आपको खाना पड़ेगा। तो जब से लोकसभा के इलेक्शन से खासकर मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में जितनी जिंदगी इराटिक होती गई, उतना हमारा लाइफस्टाइल और अनहेल्दी होता गया, और उसी की वजह से वजन बढ़ता गया। तो इस साल के शुरू में मैंने अपने कई सारे टेस्ट करवाए, तो उसमें शुगर भी बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ, वज़न तो बढ़ा हुआ ही था। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं इस साल आई टर्न 40 दिस ईयर, तो 40 पे लोग कहते हैं ना कि 40 से आपकी फिटनेस डिक्लाइन पे आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो शरीर को भी फिट रखना ज़रूरी है। आपने राज नहीं बताया कि आपने वज़न कैसे कम किया। तो हमारी ही एक कॉलीग है, उन्होंने एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको रेफर किया, तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा डाइट चार्ट दिया जिसको फॉलो करना शुरू में तो बहुत मुश्किल था। शुरू के 10 दिन उन्होंने बताया भी था, रितेश है उनका नाम, इज अ रियल स्टार, और उनकी वजह से ही आज इतना वजन कम हुआ है। आई फील मच फिटर। तो उन्होंने शुरू में बताया था कि देखो आतिशी, शुरू के 2 हफ्ते बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक बार 2 हफ्ते निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद नया डाइट सेटल हो जाएगा। तो शुरू के 2 हफ्ते तो बहुत भूख लगती थी, फिर मैं रितेश को मैसेज करती कि भूख लग रही है, भूख की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। बट ही वॉज राइट, विद इन 2 वीक्स जो भी उनका पूरा प्लान था कि एक नरिशिंग पूरी आपकी डाइट कैसी हो सकती है, तो डाइट चेंज करने से किया है, एक्सरसाइज से तो नहीं किया, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन स्ट्रगलिंग विद अ फुट इंजरी फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। तो वो पिछले 3-4 महीने से तो इट हैज़ नॉट बीन इन अ गुड स्टेट, एंड तो अपनी डाइट चेंज करने से किया है। तो मेरी एस्पिरेशन है कि कोई एक दिन कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी जी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और फिर मैं वॉक पे जाती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैंने सुना था कि इस बार बहुत सारे लोगों ने आपको कॉफी के अराउंड ही गिफ्ट्स दिए आपके बर्थडे पर। ये बिल्कुल सही बात है, और ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मतलब कैसे, सिर्फ कॉफी? अच्छा, वैसे कॉफी के सिवा कुछ और मिला था? कॉफी कप्स, कॉफी टी शर्ट्स एंड पता नहीं क्या क्या कॉफी से जुड़ा? नहीं, सिर्फ कॉफी, सिर्फ कॉफी से रिलेटेड गिफ्ट्स। तो ये पब्लिक परसेप्शन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैं किसी को मजाक में कह रही थी कि मैं तो सोचती थी मेरी बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, लेकिन क्लियरली मेरे दोस्तों को और मेरे आसपास वालों को लगता है कि कॉफ़ी मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो जो इस बार ये सारे गिफ्ट्स मिले हैं वो कॉफ़ी से रिलेटेड मिले। हालांकि इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बहुत पहले ना तो जन्मदिन मनाती थी या किसी को बताती थी, पर वो अब पब्लिक लाइफ में आने से जन्मदिन भी एक पब्लिक चीज़ हो गई। वैधानिक चेतावनी, कॉफ़ी में कैफीन होता है और कैफीन का डिपेंडेंस हो सकता है। आप ये क्लियर करते चलें, आपने हेल्थ के बारे में बात की, और हम लोग सब हेल्थ के लिए बहुत जिम्मेदार लोगों में आते हैं और हमने हेल्थ पे और एजुकेशन में काम किया है। हाँ हाँ, नहीं ये मैं मानती हूँ, मैं मुझे इस बात को मतलब ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि कॉफ़ी इज़ डेफिनेटली आई कैन डेफिनेटली से आई एम एडिक्टेड टू कॉफ़ी। और मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कई सालों तक मैं वीगन रही हूँ। अच्छा। कि नॉन वेज तो नहीं, वेजिटेरियन तो रही हूँ, वीगन भी रही हूँ कई सालों तक, और कई सारे प्रयोग किए हैं, नेचुरोपैथी से रिलेटेड प्रयोग किए हैं, लेकिन कॉफ़ी उसमें मैंने कभी नहीं छोड़ी है। तो ओके, अब अगला कदम क्या है आपका सेहत के लिए? सेहत के लिए मैंने आपको बताया मेरी एस्पिरेशन है सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की, बट यस, एक्सरसाइज वुड डेफिनेटली बी द एस्पिरेशन। कि
आई थिंक सेहत को ध्यान रखते हुए लाइक कि हम लंबे समय तक फिट रह सकें उसके लिए अब डेफिनेटली एक्सरसाइज इज द नेक्स्ट स्टेप. तो अभी रिसेंटली नहीं एक और गिफ्ट मिला था एक्चुअली. हाँ क्या मिला था? मुझे एक योगा मैट मिला था. अब उस पे आने की जरूरत है. कॉफी टू योगा. कॉफी टू योगा. ओके सो अमंग दैट वाज द ओनली गिफ्ट दैट आई गॉट दैट वाज नॉट कॉफी रिलेटेड. तो यस. तो आपको 3 बार कोविड हो चुका है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है. कैसा रहा कोविड का एक्सपीरियंस और कैसे खुद को बचाया? मुझे जरूर याद है, मैं आपको बताऊं, जब मुझे कोविड हुआ था अप्रैल 21 को मेरी रिपोर्ट आई थी, मेरे साथ आपकी टीम के बहुत सारे लोग और हमारी सरकार में काम करने वाले बहुत सारे लोगों की टीम की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी. तो मुझे याद है सुबह उठते ही पहला मैसेज होता था कि गुड मॉर्निंग, वाइटल्स का स्टेटस, आपका SpO2 लेवल कितना है, फीवर कितना है. और आप ये सबसे पूछती थी, आपका पहले कोविड का हाल बताइए फिर हम उस पर आएंगे. तो मुझे 3 बार कोविड हुआ है ये सच बात है. और मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर वेव जो दिल्ली में आई है उसमें मुझे कोविड हुआ. यहाँ तक कि मजाक है हमारी ही टीम के अंदर कि दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की ज़रूरत नहीं है, आप हर हफ्ते आतिशी का RT-PCR टेस्ट कराते रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली में कौन सा वेरियंट आ रहा है. बट फॉर्चुनेटली टचवुड, तीनों बार में से एक भी बार केस सिवियर नहीं रहा. तीनों बार होम आइसोलेशन में. देखिए पहली बार तो पैनिक था, थोड़ा ज़्यादा कंसर्न था, तो इसलिए एंड आई थिंक पहली बार शायद सबसे सिवियर भी था. आई थिंक बॉडी की इम्यूनिटी भी उसके बाद ज़्यादा बढ़ी है, तो इट हैज़ जस्ट गॉट ईजियर. सेकेंड जब दूसरी बार हुआ फिर तीसरी बार हुआ तो इंसान को पता है कि क्या होने वाला है, तो फिर स्ट्रेस नहीं होता इसको. प्लस आई हैड अ ग्रेट डॉक्टर, आप भी जानते हैं डॉक्टर रजनी, हम सब की दोस्त हैं, हम सब की कॉलीग हैं. शी इज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट, शी हैज़ बीन अ रियल स्टार एंड अ रियल पिलर ऑफ सपोर्ट, जिसने समझ भी दी है, जिसने हर पल पे वो हमारे साथ भी खड़ी रही हैं. तो इस वजह से निकल गया आराम से. अब देखिए तीसरी बार तक तो मैं एक्सपर्ट भी हो गई थी, इसीलिए चलिए खुद तो मुझे कोविड था ही, पर हमारी टीम के ही बहुत सारे और मैं मजाक कर रही थी कि मैं अपने घर से एक कोविड आइसोलेशन सेंटर चला रही थी. एक्चुअली अगर आप कोविड को देखिए तो कोविड में सबसे बड़ी चीज़ देखिए साइकोलॉजिकल होती है. जब लोगों को कोविड होता है तो उनमें एक बहुत डर बैठ जाता है. हर आपका हर बारी थोड़ा सा बुखार बढ़ता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल गिरता है. तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ कोविड में ये होती है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हों जो हमें एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें, कि जितना हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है उतना हम आसानी से कोविड से बाहर निकल पाते हैं. एंड आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द बिगेस्ट लर्निंग इन द 3 times दैट आई हैव हैड कोविड. इसलिए मेरी भी ये कोशिश रही कि जो हमारे आसपास वाले हैं उनके साथ जब उन्हें कोविड रहा है उनसे हमेशा हम टच में रह सकें, सो दैट उनको भी लगे कि कोई हमारे साथ खड़ा है. यू हैव डन दैट जॉब एक्सीलेंटली. आइए बैठ. बुद्धा गार्डन की खास जगह है. आई थिंक अमेजिंग है कि दिल्ली के एकदम बीचों बीच हार्ट ऑफ दिल्ली में सच अ सीरीन एंड ब्यूटीफुल लोकेशन. मुझे लगता है जितने लोग हमारे देखेंगे वो जरूर एक बार तो यहाँ आना चाहेंगे और आना चाहिए भी. आपने विपासना भी तो किया जी. हाँ. 2019 में लोकसभा के इलेक्शन के बाद मैं गई थी विपासना के लिए. और आई थिंक स्पेशली फॉर अस जो पब्लिक लाइफ में है ये चाहे आप मेडिटेशन विपश्यना स्पिरिचुअलिटी शायद ज़रूरी भी होता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली लोगों के बीच में हैं और दिन भर लोगों से मिल रहे हैं. कई बार ऐसे दिन होते हैं जब एक दिन में ही आप 300 400 500 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं. तो खुद एक बारी अंदर में स्टेप बैक कर पाना, अपने आप को ऑब्ज़र्व कर पाना, पब्लिक इंटरेक्शन से ब्रेक ले पाना वो शायद बहुत ज़रूरी हो जाता है. और मुझे याद है जब मैं विपश्यना के लिए गई 10 दिन के लिए, इट वॉज सच ए रिलीफ कि 10 दिन किसी से बात नहीं करनी है. एंड ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि हमारे कुछ दोस्त वगैरह हैं जो विपश्यना के लिए गए हैं उनको बहुत भारी लगता है 10 दिन किसी से बात ना करना. जबकि मैं देखूँ तो मेरे लिए इट वॉज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ कि 10 दिन आप सिर्फ अपने अंदर के थाट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड आई एक्चुअली फेल्ट
मेंटली एंड फिजिकली लाइटर आफ्टर डूइंग दैट. अनफॉर्चुनेटली उसके बाद से कोविड शुरू हो गया तो विपश्यना सेंटर्स बंद हैं, वरना मैं देखूँ तो मैं डेफिनेटली हर साल में एक बार ही तो जाना चाहूँगी. कि इतना कुछ होता है हमारी डेली लाइफ में, मुझे लगता है कि उसको प्रोसेस करने के लिए भी इंसान को मेडिटेट करना, विपश्यना पे जाना बहुत ज़रूरी है. जैसे अभी ये कोविड की थर्ड वेव हुई, कोविड की थर्ड वेव में जिस तरह का ट्रॉमा, जिस तरह का डेवेस्टेशन देखा है, और हमने बीइंग इन पब्लिक लाइफ, बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बहुत क्लोजली देखा है, तो इसको डील करने के लिए भी या ऐसे डे टू डे बेसिस पे जो बहुत सारी चीज़ें इंसान देखता है उसको भी प्रोसेस करने के लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है. अभी आप मेडिटेट करते हैं? कोशिश करती हूँ कुछ समय निकाल के मेडिटेशन करने की. कोशिश ये करती हूँ कि रात को सोने से पहले कम से कम 15-20 मिनट का मेडिटेशन करूँ. इनफैक्ट जब मुझे पहली बार कोविड हुआ तब मैंने फिर से मेडिटेशन रीस्टार्ट किया था, एंड आई पर्सनली फाउंड कि उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था. जब मैं बैठ के एक घंटा मेडिटेशन करती थी तो उसके बाद तुरंत मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था, मेरा पल्स लेवल डाउन आ जाता था. सो डेफिनेटली माइंड का आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सोने से पहले मैंने अपने फ़ोन पे बुद्धिस्ट चैंटिंग डाउनलोड करके रखी हुई है, तो रात को सोने से पहले कुछ समय मेडिटेट करके सोती हूँ. आई थिंक जो पूरे दिन में आपने देखा होता है, सोचा होता है, और सब इंसानों की ज़िंदगी में कुछ किसी भी दिन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं. कई बार बहुत स्ट्रेस होता है, कभी आप कोई आप पे गुस्सा होता है, कोई आपसे दुखी होता है, आप दूसरे पे दुखी होते हो, तो ये पूरा अपने साइकिल को ऑब्जर्व करके एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका देती है आपको मेडिटेशन. कभी दिन में ऐसा लगता है आपको कि बहुत स्ट्रेस है या बहुत लोड है जिसकी वजह से कट ऑफ करने की ज़रूरत है कुछ सेकंड्स भर के लिए, और कुछ सेकंड्स के लिए वापस अंदर जाकर और फिर दोबारा से फ्रेश शुरू किया जाए? नहीं, डेफिनेटली, और ख़ास करके ये इलेक्शंस के दौरान बहुत होता है, बिकॉज इलेक्शंस के दौरान आप 18-18 घंटे काम कर रहे होते हैं, इतना हाई इंटेंसिटी, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, आपको हर इंसान से मिलना होता है, बात करनी होती है, तो तब तो डेफिनेटली इसका प्रेशर बहुत रहता है. कैसे डील करते हो आप? लेकिन इलेक्शन में मेडिटेशन के विपरीत ही होता है. इलेक्शन में तो मेडिटेशन से ज़्यादा रेड बुल और कॉफ़ी काम आती है टू कीप वन गोइंग द कैफीन. कितना मुश्किल है पब्लिक लाइफ में अपना अपने लिए समय निकाल पाना, जैसा आप चाहते हो सोचना, जैसा आप चाहते हो बनना, जैसा आप चाहते हो दुनिया को देखना, या अपने साथ कुछ समय में निकाल पाना? जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं ना, तो आपको हर चीज़ डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा मिलती है. आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको तारीफ भी डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा मिलती है, आप कोई गलती करते हो तो आपको गालियाँ भी डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा पड़ती हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हो जाती है. और रिसेंटली जैसे अभी एक केस हुआ था, कोई हम किसी के घर गए थे और एक मीटिंग में किसी ने हमें कहा कि जी हमें बहुत ज़रूरत थी कोविड टाइम पे हेल्प की, लेकिन आपके ऑफिस से कोई मदद नहीं मिल पाई. और हालांकि एज ए टर्न आउट हमारे ही टीम ने किसी को उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया था. पर जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, आप कभी भी कहीं पर भी कोई आप पे आरोप लगा देता है कि आपने ये नहीं किया. इवन तो जब आप एक नॉर्मल ज़िंदगी में होते हैं तो ये बहुत रेयर ऐसी चीज़ होती है. कई बार पर्सनल लाइफ में किसी ने आपको बोल दिया कि भाई आप, लेकिन पब्लिक लाइफ में यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्क्रूटनी एंड कॉन्स्टेंटली यू हैव टू ट्राई टू मीट वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस. तो उसका एक अपना इमोशनल प्रेशर भी आई थिंक सब पर रहता है. सो फाइंडिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, फाइंडिंग सॉलिट्यूड, डूइंग मेडिटेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू डील विद अ लॉट ऑफ दिस. And it helps. Definitely, definitely. दोस्त बनते हैं आपके? आप बनाती हैं दोस्त? आपने कहा बहुत इंट्रोवर्ट हैं. ये एक मजाक है कि जब मैं अपनी टीम वगैरह से ही बात करती हूँ कि आतिशी की सिंगल डिजिट फ्रेंड लिस्ट, और वो सिंगल डिजिट फ्रेंड लिस्ट भी आप सिंगल डिजिट कह रहे हैं, वरना ये एक मजाक था कि मेरे दो दोस्त हैं कॉलेज के समय से मेरे दोस्त हैं. हैं कुछ क्या कहूँ, 4-5 बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं. अब कई उनमें से हमारे साथ काम करने वालों में से, कॉलीग्स में से भी अब कुछ लोग हैं जो बहुत क्लोज़ हैं. पर
नॉट जस्ट दोस्त, मैं तो कहूँगी कि मेरे साथ जो मेरी पूरी टीम काम करती है, मेरे लिए वो मेरा परिवार है. एंड मैंने देखा है, जैसे मैं बता भी रही थी कि लास्ट ईयर एक बहुत मुश्किल समय रहा, एंड इस दौरान मेरे परिवार वालों और मेरे रिश्तेदारों से ज़्यादा जो हमारी टीम के लोग हैं, हमारी कॉलीग्स हैं, वो जिस तरह बिल्कुल एक क्या कहें, एक पत्थर की तरह, जैसे एक लाइक स्टेबल रॉक की तरह साथ में खड़े रहे. सो आई थिंक दैट दैट मीन्स अ लॉट टू मी पर्सनली. और मुझे लगता है कि जो हम लोग काम भी कर रहे हैं वो भी इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम ही लोग एक दूसरे का परिवार हैं. एंड इफ़ वी डिड नॉट फील दिस अबाउट ईच अदर, मुझे पता है कि कल को मुझे कोई भी ज़रूरत हो. मुझे याद है एक बारी मेरे जब मदर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, वो आई थिंक सेकेंड टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो रात को मनीषी का फ़ोन आया रात को 11:30 और उन्होंने मुझसे पूछा, वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कि बताओ ज़रूरत है तो मैं आ जाता हूँ हॉस्पिटल. तो ये एक सिर्फ वर्क रिलेशनशिप नहीं है, ये एक परिवार का रिलेशनशिप है जहाँ पे हम लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े. तो आई वुड से उस तरह के दोस्त नहीं है जैसे जैसे एक नॉर्मल दोस्ती में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप रेस्टोरेंट में चले गए, आप मूवी देखने चले गए, हालांकि मूवीज तो कौन देखता है, कोविड के बाद तो मूवी हॉल्स ही बंद है. लेकिन ऐसे दोस्त डेफिनेटली हैं जो मुझे लगता है कि सुख दुख में हर समय हमारे साथ. आपने मुझे एक रेस्टोरेंट का किस्सा शेयर किया था. मैं सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूंगा. वो मेरे लिए बहुत ही एक एम्बैरेसिंग किस्सा है वैसे. और उसके बाद से मेरे दोस्त और मेरे कॉलीग्स, मैं कितनी अनकूल हूँ उसकी उसे एपिटमी और पराकाष्ठा मानते हैं. सच्चाई ये है कि मुझे नाम और चेहरे बहुत आसानी से याद नहीं रहते, और मैंने बहुत कोशिश करके ये आदत कल्टिवेट करी है कि मुझे लोगों के नाम भी याद रहें, मैं नेम और फेस को कनेक्ट कर सकूं. लेकिन ये मेरी एक वीकनेस है. और उस दिन हुआ भी यही था कि हम लोग बैठ के डिनर खा रहे थे, एंड सडनली एक यंगिश लड़की आई और शी मस्ट बी इन हर 20s, और उन्होंने कहा हाय मैम हाउ आर यू, और वो फिर बगल में चली गई. और मैं अपने कॉलीग से कह रही थी कि पता नहीं, समझ में नहीं आया, उन्होंने आगे कुछ कहा ही नहीं. एंड देन हमारे दोस्त ने हमें बताया कि ये बहुत वेल नोन एक्ट्रेस है वो. तो उसके बाद से ये काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया जाता है मेरी टीम के द्वारा कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाई. पर लोग इतना जानते हैं, पहचानते हैं, एक एक्ट्रेस आपको पहचान रही है, कभी मन में कोई गुमनामी का खौफ या कभी इस पॉपुलैरिटी से डर लगता है, किसी भी किस्म का डर? डर जैसे मैंने कहा ना, आपको पब्लिक लाइफ में ना हर चीज़ आपको एक्सेस में मिलती है. आपको पॉपुलैरिटी भी एक्सेस में मिलती है, आपको तारीफ भी एक्सेस में मिलती है, आपको गालियाँ भी एक्सेस में पड़ती हैं. तो मैं तो कहूँगी कि मेरे लिए क्या कहें, थोड़ा सा एम्बेरसिंग है ऑलमोस्ट, कि आप कहीं पर जाते हैं बाहर तो लोग आपको पहचानते हैं, आपके काम की तारीफ़ करते हैं तो वो अच्छा लगता है. अभी कर रहे थे, कितने लोग मिले हमें, काम की तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है. इसलिए भी अच्छा लगता है कि जो हम काम करते हैं, जो चाहे एजुकेशन में हो गया, पिछले कुछ समय से हेल्थ में कोविड की वजह से भी काम करना हुआ है, उसे हम पूरे अपने दिल के साथ करते हैं. हम अपनी पूरी जान लगा के करते हैं, दिन में 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं. तो जब कोई अपनी काम की तारीफ़ करता है तो उससे तो डेफिनेटली अच्छा लगता है. लेकिन ये तो डेफिनेटली है कि जब अब उस तरह की एक नॉर्मल व्यक्ति की जो अनोनिमिटी होती है, जिसके साथ आप रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, वो तो थोड़ी कम होती है. जितनी मेहनत आप करती हैं, जितनी मेहनत हमारे लीडर्स सब कर रहे हैं, करते हैं, आपको लगता है कि वैसा कैडर हम तैयार कर पा रहे हैं पूरे देश में जो आगे इस लीडरशिप रोल की तरफ बढ़ते जाए? देखिए डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि हम जो मेहनत करते हैं, या हम तो आम आदमी पार्टी के फेसेस हैं, हम टीवी पे आते हैं, लोग हमें देखते हैं, इलेक्शन लड़ा है मैंने और उसकी वजह से आप एक पब्लिक आई में रहते हैं. लेकिन जितने लोगों को एज फेसेस ऑफ आम आदमी पार्टी जाना जाता है, उससे बहुत गुना ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हमारे जितनी या हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं. एंड आई थिंक आई रियली सल्यूट दोस्त आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स जो पार्टी में काम कर रहे हैं, जो सरकार में काम कर रहे हैं,
मतलब मैं ही देखूँ तो मेरी ही टीम में इतने सारे ऐसे लोग हैं जो इतने सालों से सुबह से लेके रात तक काम करते हैं. उन्होंने आज तक कभी ये नहीं पूछा कि सुबह के 6 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं, या कभी ये नहीं पूछा कि हम छुट्टी लेके घर कब जा सकते हैं. कभी ये नहीं बताया कि बार बार घर वालों का फ़ोन आ रहा है किसी चीज़ के लिए. एंड दे हैव नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, बी इट इन टर्म्स ऑफ हाई सैलरीज कि हमें बहुत पैसों की ज़रूरत है, बी इट इन टर्म्स ऑफ नेम फेम एक्सेट्रा. तो इसलिए मैं तो बहुत मेरा तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को बहुत रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हीं वॉलंटियर्स के दम पे आज हम जो कर पा रहे हैं, आज जो एक देश में हम बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो कर पाते हैं. और बहुत बड़ा बदलाव ये भी है कि इस एज के युवक युवतियाँ एसोसिएट कर पा रहे हैं इस काम से, गवर्नेंस के काम से, चेंज के काम से, और जो कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कर पा रहे हैं. नो एब्सोल्युटली, मैं तो कई बार देखती हूँ कि मैं अपने आसपास ही जो बहुत सारे वॉलंटियर्स और यूथ काम करते हैं, कि मुझे नहीं लगता कि 20-22 साल की उम्र पर मैं इतनी सीरियस और कमिटेड थी. बिल्कुल ठीक बात, जितने ये लोग हैं. एंड इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. और इस दौर में जब इतना कंज्यूमरिज्म है, जब यूथ आईफोन से लेके नई गाड़ी नई मोटरसाइकिल में इतना व्यस्त है, उस दौरान देर आर सो मेनी यंग पीपल हु हैव सून आफ्टर देयर कॉलेज चोजन कि हम पार्टी में काम करेंगे, हम गवर्नेंस में काम करेंगे. ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव है. इंटरेस्टिंगली कुछ साल पहले की बात है कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, शी वॉज आई थिंक एजुकेशन डायरेक्टर किसी MCD में होती थी, एक बारी मुझसे मिलने आई थी. एंड तो आई मीटिंग हुई, बातचीत हुई, तो बाद में जिनके रेफरेंस से आए वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे. वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे जो सबसे बड़ा चेंज दिखा, कहते हैं चलो बात हुई एजुकेशन पे तो आप लोग काम कर ही रहे हो, कहते हैं पहले जब हम दिल्ली सचिवालय जाते थे तो जो लोग आसपास दिखते थे वो कलफ का कुर्ता पहने पान चबाते हुए, ऐसा लगता था बिल्कुल व्हीलर डीलर है हर तरह की धांधलेबाजी के लिए वहाँ पे. कहते हैं अब जब मैं जब वहाँ पे गई मिलने के लिए, कहते हैं इतने यंग लड़के लड़कियाँ जीन्स टी शर्ट कुर्ते पहन के वहाँ पे इतनी एनर्जी के साथ वहाँ पे थे. सो शी सेड यू कैन सी हाउ द गवर्नेंस कल्चर हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड जस्ट बाय द काइंड ऑफ पीपल हु आर वॉकिंग द कॉरिडोर्स ऑफ दिल्ली सेक्रेटेरिएट. और हमारे साथ टीम में जितने लोग शूट में हैं सब बहुत हमसे बहुत यंग हैं, सब वॉलंटियर्स हैं, और कैसे अभी यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन से लेके और पूरी प्लानिंग से लेके ये सब हमारे लोग इतना आसानी से कर देते हैं, हमें महसूस नहीं होता. एज अ फीमेल कितना मुश्किल है ये रोल निभा पाना, एज अ पॉलिटिशियन पब्लिक लाइफ में रहना, क्या उसकी कुछ सहूलियतें भी हैं या सिर्फ मुश्किल हैं? ये अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछा करते हैं, पार्टली बिकॉज आई गेस वुमेन पब्लिक लाइफ में पॉलिटिक्स में कम ही हैं. देखिए मैं अगर पर्सनली अपने आप को देखती हूँ तो आई थिंक आई हैव ऑल्सो बीन वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट. आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ प्रिविलेज. और प्रिविलेज मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई ऐसे बहुत वेल ऑफ या रईस बैकग्राउंड से नहीं आती, आती तो मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर मुझे पूरी फ्रीडम मिली शुरू से, जहाँ पर लड़की होने की वजह से मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, मेरी लाइफ चॉइसेस के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज रहा. तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा ऑपरेशन जो लड़कियां काफ़ी यंग उम्र से देखती आई हैं वो मैंने नहीं देखा. दूसरा, मैं इसलिए भी अपने आप को प्रिविलेज मानती हूँ क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में हूँ और आम आदमी पार्टी और पार्टियां कैसी हैं हमने तो बस सुना है. आम आदमी पार्टी में मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि एक महिला होने की वजह से मैं कुछ अलग हूँ किसी तरीके से, और महिला होने की वजह से फीमेल होने की वजह से कोई ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं कर पाई. बहुत और किसी ने बहुत क्या कहें इसको बहुत जताया नहीं है कि हम आपके लिए कुछ खास कर रहे हैं, पर कॉलीग्स ने भी हमेशा बहुत नेचुरल तरीके से चीज़ों को फैसिलिटेट किया है कि कभी भी ऐसा नहीं लगा. कभी भी लेट जाते हुए कभी भी घर जाते हुए मुझे कभी सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि हमेशा मुझे याद है कोई ना कोई साथी होता था कि चलो हम यहाँ से होते हुए आपको छोड़ते हुए चले जाते हैं. सो आई थिंक बोथ माय फैमिली एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम अ पार्ट ऑफ हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय प्रिविलेज. जैसे एग्जांपल आपने दिया, कभी और आपको पैट्रियार्की ने इतना बुरी तरह से परेशान किया हो?
एक्चुअली नहीं, मतलब और मैं अपने आप को इस मामले में, जैसा मैंने कहा कि मैं फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को कि मैं कैसे माहौल से आई, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मैं अपनी इस वजह से एक जिम्मेदारी भी मानती हूँ कि मैं क्योंकि ऐसे प्रिविलेज से आई हूँ कि और लोगों को और ख़ासकर और लड़कियों को और महिलाओं को हम मौका दे पाएँ, वो मुझे लगता है और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कि जो पेट्रियार्की से समाज से ज़्यादा प्रताड़ित है उसके लिए आगे आना ज़्यादा मुश्किल है, वो अपने घर में अपने परिवार में अपनी डेली ज़िंदगी में ही इतने इश्यूज से डील कर रहे होते हैं कि उस सब को छोड़ के समाज में हम कुछ कर पाएँ वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि हम सब की जिम्मेदारी है, और मैं सिर्फ आई वुड से दैट दिस इज़ नॉट जस्ट ट्रू फॉर द क्वेश्चन ऑफ वुमेन एंड पेट्रियार्की, मुझे लगता है कि ये हर प्रकार के मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, कि चाहे आप देखिए कि हम कास्ट की बात करें, भारत में कास्ट एक बहुत बड़ी रियलिटी है, भारत में हम रिलीजियस डिफरेंसेस की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है, आप महिलाओं को लेके इनइक्वालिटी की बात करिए, आप एक इकोनॉमिक डिवाइड की बात करिए, आप एक लैंग्वेज डिवाइड की बात करिए, मेरे जो मैं अपनी सिंगल डिजिट फ्रेंड लिस्ट के बारे में बात कर रही थी, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ही वॉज माई जूनियर इन सेंट स्टीफन्स कॉलेज जब मैं पढ़ती थी, और वो बिहार से है, और उसने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने मुझे बताया कि जब वो पहले कॉलेज में आया था, कहते हैं कि उसके तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि लोग आपस में एक दूसरे से अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। कहते हैं हमने अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ी थी लेकिन उससे पहले कभी किसी से अंग्रेज़ी में बात नहीं की थी। कहते हैं कि मुझे ऑलमोस्ट 2-3 महीने लगे कि मैं अपना मुँह खोल के किसी से अंग्रेज़ी में बात कर सकूँ, एंड वो इवेंचुअली जहाँ तक मुझे याद है यूनिवर्सिटी का टॉपर भी रहा, मेरे साथ ऑक्सफोर्ड में था, रोड स्कॉलर था। तो फॉर समवन हु वाज सच एन अचीवर, लेकिन भाषा एक क्या कहें, एक हथियार बन जाती है ऑलमोस्ट। हमारे जान पहचान वाले हम अक्सर ही कहते थे कि अंग्रेज़ी इस देश में एक लैंग्वेज, इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ वेपन। तो भाषा भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है। तो मुझे लगता है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि जो भी किसी भी कारण से मार्जिनलाइज्ड है, जिसकी आवाज़ आगे नहीं आ पा रही, उसको जगह दे पाना और उसकी आवाज़ बन पाना, जिसके पास भी प्रिविलेज है उसकी एक जिम्मेदारी है। और मैं तो ये मानती हूँ कि यही आम आदमी पार्टी कर रही है कि ऐसे लोग जिनकी आवाज़ डिसीजन मेकिंग में नहीं सुनी जाती थी, उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना, and I think this is the biggest strength of Aam Aadmi Party and this is the biggest achievement. आपकी टीम में बहुत सी फीमेल्स हैं, मतलब हालांकि सब जगह हैं हमारे यहाँ, पर आपकी टीम में सबसे ज़्यादा है। कहना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक रीज़न ये भी है कि आप वो एटमॉस्फेयर सुनिश्चित करते हो। आपकी टीम में मेरी कई लोगों से बात हुई, आपके बारे में भी जिक्र होता है, आपके पीछे पीछे अच्छी बातें करते हैं कि बुराई तो नहीं सुनने को मिली, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई तो मिले। क्या और... बात कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ हमारे टीम वाले, हमारी टीम वालों का, हमारा पूरी टीम के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक उनका व्हाट्सएप ग्रुप है सबका मेरे बिना जिसमें वो सिर्फ मेरी बुराई करते हैं। अच्छा, इस तक मैं पहुंच नहीं पाया। तो इसलिए आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, मेरी रिसर्च थोड़ी कमजोर रहेगी। इनफैक्ट उन लोगों का एक समय पे इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम था बॉस का मूड। ये नाम बड़ा जबरदस्त है। अभी मैम के कमरे में जाना सेफ है कि नहीं है, उनका पारा यहाँ पर है कि यहाँ पर है। अरे वाह, ये दिलचस्प है। यस, पर मुझे लगता है कि देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली एक महिला होने के नाते आई एम अवेयर कि क्या चैलेंजेस रहते हैं लड़कियों के लिए। मुझे पता है कि एक लड़की दिल्ली में कोई भी अगर महिला रहती है, चाहे वो 8 साल की हो, चाहे वो 18 साल की हो, चाहे वो 80 साल की हो, जैसे ही अंधेरा होने लगता है ना, उनके दिमाग में घड़ी चलने लगती है कि अब लेट हो रहा है, बाहर कैसे जाएंगे, बस स्टॉप से घर कैसे जाएंगे, मेट्रो स्टेशन से घर कैसे जाएंगे। और ये एक रियलिटी है, आप किसी भी लड़की और किसी से महिला से बात करिए, ये उनकी लाइफ की एक रियलिटी है कि अंधेरे होने के साथ उनकी ये मेंटल क्लॉक चलने लगती है कि हम घर कैसे पहुँचेंगे। सो आई थिंक बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, बीइंग दिल्ली में पली बड़ी होने से मुझे अंदाज़ा है। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश करी है कि हमारी टीम में जितनी भी लड़कियाँ हैं,
ऐसा नहीं है कि उन्हें जल्दी छुट्टी मिल जाती है, उन्हें भी काम तो करना पड़ता है, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि अगर हमारी टीम से कोई लड़की लेट जा रही है तो कोई उसे छोड़ने वाला नहीं होगा। सो कोशिश एक तो ये रही है। दूसरा मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है। एंड आई थिंक दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड आई रिमेंबर दिस रियली स्ट्रक होम विद मी वंस। एक बारी हम एक स्कूल का इनॉग्रेशन कर रहे थे, त्रिलोकपुरी में एक स्कूल था, और ऑडियंस में ज़्यादातर महिलाएं थीं और लड़कियां थीं। अच्छा। और आई थिंक हो सकता है गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग थी, तो लड़कियां थीं और अक्सर उनके साथ उनकी मदर्स आती हैं, फादर्स काम पे होते हैं। तो ऑडियंस तकरीबन 80-90% महिलाओं की थी। अरे वाह। लेकिन अगर आप स्टेज पे देखिए तो स्टेज पे मुझे छोड़ के बाकी सारे लोग पुरुष थे। और मैं ये सोच रही थी कि उस ऑडियंस में जो लड़की बैठी है, जो स्कूल में पढ़ रही है, जो सपने देखना चाहती है कि मुझे लाइफ में बड़े होके कुछ बनना है, उसके लिए ऐसे रोल मॉडल देख पाना कि स्टेज, क्योंकि वो चीज़ है, स्टेज वहाँ पे है, जो पहुँच गए हैं, जो अचीवर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उस लड़की के लिए, उस 8 साल की लड़की के लिए देख पाना ज़रूरी है कि स्टेज पे जो चीफ गेस्ट है ना, वो भी मेरी तरह लड़की है। एंड आई थिंक ये रोल मॉडल्स होना बहुत ज़रूरी है। कितनी ज़रूरी ऑब्जर्वेशन है। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक इवन इन पॉलिटिक्स, अगर ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा महिलाओं का पॉलिटिक्स में आना इसलिए भी ज़रूरी है, फॉर गर्ल्स हु आर स्टडिंग इन कॉलेजेस, फॉर गर्ल्स हु आर स्टडिंग इन स्कूल्स। अब अक्सर जैसे हम स्कूलों में बहुत जाते हैं, तो स्कूलों में आप कभी भी लोगों से पूछो ना, खासकर लड़कियों से, कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो ज़्यादातर कहती हैं कि हम टीचर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो बेस्ट वुमेन रोल मॉडल्स हैं वो उनकी टीचर्स हैं, जो एम्पावर्ड हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो कुछ कर रही हैं, जो लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सो दे आर द रोल मॉडल्स फॉर दोज गर्ल्स हु आर 8 years old, 10 years old, 13 years old। तो उनको लगता है कि हमें बड़े होकर टीचर बनना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर फील्ड में महिलाएं रोल मॉडल्स के तौर पे लीडरशिप रोल्स में आए, क्योंकि उसी से हमारे नेक्स्ट जनरेशन और लड़कियों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं भी कर सकती हूँ। वरना जब वो हमेशा टीवी पर, स्टेज पर, पोडियम पे सिर्फ पुरुषों को देखते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं मन में लगता है कि यार ये तो लड़कों का ही काम है, मेरा शायद काम किचन में ही है, मेरा शायद काम परिवार को देखने का ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परिवार को देखना या खाना बनाना किसी भी तरह से इन्फीरियर है, लेकिन सबके पास चॉइस होनी चाहिए। एंड आई थिंक व्हिच इज़ व्हाई रोल मॉडल्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि लड़कों के लिए ये एग्जांपल है कि मतलब मैं जब किचन में खाना बनाता हूँ तो आई फील प्राउड। यदि मेरा खाना मेरी सिस्टर को पसंद आ रहा है तो आई फील प्राउड, है ना। एंड इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब मैं सोचती हूँ कि खाना बनाना इतनी बेसिक लाइफ स्किल है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को और अपने लड़कों को नहीं सिखाते, क्योंकि कहीं ये अजम्पशन है कि भाई ये तो लड़कियों का काम है। मैं तो ये मानती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए। सबको खाना बनाना आना चाहिए, सबको बर्तन धोने आने चाहिए, कपड़े धोने आने चाहिए, और अपने कपड़ों पे बटन लगाना आना चाहिए, आयरन करना भी आना चाहिए, आयरन करना, अब यस बिल्कुल सही बात है, आयरन करना आना चाहिए। और ये लड़कों और लड़कियों दोनों को आना चाहिए, मतलब जैसे खाना बनाना, खाना सब खाते हैं, लड़के भी खाते हैं, लड़कियां भी खाते हैं, लड़के ज़्यादा खाते हैं कई बार पर ये भी हमारे समाज की बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। आई रिमेम्बर सीइंग इन समवन्स होम, हमारे कोई जान पहचान वाले थे जो सॉफ्टवेयर की फील्ड में काम करते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। एज इट हैपेंड मैं उनके घर पर रुकी हुई थी, और दोनों ऑफिस से आए, और जो पति है वो टीवी के सामने जाके बैठ गया, और पत्नी किचन में जाके खाना बना रही थी। यूजुअली होता है घरों में, आई नो, बट दोनों एक ही कंपनी में एक ही सैलरी पे काम करते हुआ है। ये एक चीज़ है कि अगर आपने डिवीजन ऑफ लाइक, अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक व्यक्ति घर संभाल रहा है, तो वो भी इट सीम्स लाइक अ फेयर डिवीजन ऑफ वर्क। और ये हमें दिखता भी नहीं है, ये बहुत आदि हो चुके हैं हम इसके। पर मुझे ऐसा लगता है कि पैट्रियार्की का बोझ जितना पुरुष समाज महिलाओं पर डाल रहा है या दागता है, उतना ही बोझ अलग अलग तरीके से अपने ऊपर भी लेता है। देखिए पेट्रियार्की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पेट्रियार्की वो पुरुष और महिला की बात नहीं है। मतलब आप अक्सर देखिए महिलाओं को ये कहने वाले कि भाई तुम्हें घर में रहना है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती, या तुम्हारे भाई के लिए है, ये महिलाएं ही होती हैं। तो पेट्रियार्की का मतलब पेट्रियार्की का महिला और पुरुष से लेना देना नहीं है, वो एक सोच से लेना देना है, और उसका इम्पैक्ट पुरुषों पर भी है।
मतलब जो लड़कों को कहा जाता है कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो लड़के हो, तुम खाना क्यों बना रहे हो, तुम तो लड़के हो, हो सकता है कि आज आप देखिए हमारे देश में सबसे नामी गिरामी शेफ शायद पुरुष हैं, राइट। अगर किसी बड़े शेफ को बचपन में कहा गया होता भाई तुम तो लड़के हो, तुम खाना क्यों बना रहे हो, तो हो सकता है कि आज वो इतने बड़े शेफ नहीं होते। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वी डेफिनेटली एज अ सोसाइटी। और लड़के यदि जॉब छोड़ के अपना इंटरेस्ट का कुछ करना चाहें तो वहाँ पे सफ़र करते हैं, अपने पार्टनर को इक्वल पेडेस्टल पर रख कर वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ फ्री भी हो सकते थे जो उन्होंने ज़बरदस्ती ढो रखी। बिल्कुल, ज़बरदस्ती वही तय कर रहा है कि कौन कब किस समय आ रहा है, कब कहाँ क्या जा रहा है। पर मुझे लगता है चीज़ें धीरे धीरे बदल भी रही हैं। चीज़ें धीरे धीरे मतलब शहरों में तो बदल रही हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक उसमें एजुकेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी। आई थिंक मैं अपने ही दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में देखती हूँ कि 6 साल पहले जब हमने स्कूलों में काम करना शुरू किया था, जब आप स्कूलों के अंदर जाइए ना तो लड़कियाँ बात नहीं करती थी आपसे, वो आपसे आँख नहीं मिलाती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सुखड़ी हुई होती थी, लाइक उनके शोल्डर स्टूप्ड होते थे, ज़मीन पर देख रही होती थी। और आई रिमेम्बर एक बारी मैं एक स्कूल की असेंबली में गर्ल्स स्कूल में लड़कियों से बात कर रही थी, मैंने उनसे एक बारी कुछ उनसे पूछा कि आप में से कितनों के भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अब मानेंगे नहीं, 90% लड़कियों ने अपना हाथ उठाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक परिवार के पास एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे थे जो एक अच्छा स्कूल माना जाता था, तो वो अपने बेटे को भेजता था और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजता था। तो वो लड़की जब स्कूल आ रही है वो उस कॉम्प्लेक्स के साथ, इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ आ रही है कि भाई मैं तो ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंचने वाली। बिल्कुल। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए, अगर आप स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस देखिए, आप इन्हीं लड़कियों को आज स्टेज पर देखिए। आई डोंट नो आपने एक बार वो वीडियो देखा था कि नहीं, कि त्यागराज स्टेडियम में एक प्रोग्राम चल रहा था कुछ स्टूडेंट्स का, और मनीष जी बच्चों को एड्रेस कर रहे थे और एक लड़की ने अपना हाथ खड़ा किया वहाँ पर, माइक उसके पास गया और उसने कहा कि सर CBSE की एग्ज़ाम फीस बहुत ज़्यादा है, हमारे घर वालों को देने में दिक्कत हो रही है, आपको कुछ करना चाहिए। 5,000 लोगों के बीच में अपने स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को ये बात खड़े होकर बोलना, ये एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। और ये वही लड़कियां हैं जो 6 साल पहले आपसे नज़र भी नहीं मिला पाती। सो आई थिंक एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लड़कियों को आगे लाने के बारे में। एंड आई थिंक देखिए हम स्कूलों में जो चेंज देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने स्कूलों में पिछले कुछ सालों में काम किया है, 10 साल बाद 15 साल बाद जब ये लड़कियां डिसीजन मेकर्स बनती हैं, जॉब्स कर रही हैं, अपने परिवारों में डिसीजन मेकर्स बनती हैं, तो हमें अपने शहर में अपने देश में एक नया समाज देखने को मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। यदि आपको पूछा जाए कि कोई एक चेंज बताइए जो अब आप एस्पायर करते हैं लाने के लिए। देखिए चेंजेस तो बहुत सारे हमने एजुकेशन में किए हैं, और चाहे स्कूल बिल्डिंग से लेके टीचर ट्रेनिंग वगैरह को ले, लेकिन एक चेंज है विच इज़ पर्टिकुलरली क्लोज टू माय हार्ट, और वो चेंज है कि हमने स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ में SMCs में जो काम किया, और वो चेंज मेरे लिए इज़ पर्टिकुलरली क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि और पॉलिटिक्स में और आम आदमी पार्टी में आने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न भी था कि मुझे आम आदमी पार्टी स्वराज की बात करती थी, आम आदमी पार्टी पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करती थी, और जैसा मैंने कहा आम आदमी पार्टी एक तरह से जनता की आवाज़ बनी। तो हमने स्कूलों में पेरेंट्स की भागीदारी बढ़ाई है। हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें 3/4 पेरेंट मेम्बर्स होते हैं। अगर आप देखिए कि एक गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप क्लास डिवाइड देखिए, एक सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल की सैलरी होती है तकरीबन 1,00,000 रुपये, और जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहा है वो कई बारी महीने के 8,000-10,000 रुपये कमा रहा होता है, सब्ज़ी का ठेला लगा रहा होता है, गाड़ी का ड्राइवर होता है, कार रिपेयर की दुकान में काम करने वाला मैकेनिक होता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो स्कूल में अंदर जाके प्रिंसिपल के सामने शायद पहले अपनी बात भी नहीं कह पाता था। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो स्कूल के अंदर भी गेट के अंदर नहीं घुस पाता था। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ एंड SMCs के माध्यम से हमने इन पेरेंट्स को और ख़ास करके मदर्स को स्कूल में डिसीजन मेकर बनाया, और मैं देखती हूँ कि आज के दिन ये जो महिलाएं हैं ख़ास करके जो SMC में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट में नियम है कि 50% SMC मेंबर्स को महिला होना ज़रूरी है,
एंड आई कैन नेवर फॉरगेट वन स्टोरी. एक बार ही मुझे एक SMC मेंबर जो किराड़ी की हैं, जो पूरा अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, एक किराड़ी की SMC मेंबर ने कहानी बताई थी. तो कहती हैं कि देखो, यू नो, शुरू में लोग कहा करते थे कि भाई ये तो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, ये क्या स्कूल में मदद करेंगे. तो एक महिला जिनकी बेटी स्कूल में पढ़ती थी कहती हैं, जी मेरा स्कूल तो, मेरा घर तो बिल्कुल स्कूल के बगल में है और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में आपको पता है बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं. कहती है, मेरे घर की बालकनी से ना स्कूल का कंपाउंड दिखता है. तो मैं जब सुबह झाड़ू लगा रही होती हूँ तो मैं बाहर आके देखती हूँ कि बच्चे टाइम से आए कि नहीं, टीचर टाइम से आए कि नहीं. फिर मैं जब खाना बना रही होती हूँ तो मैं बीच में एक बार आके देख लेती हूँ कि बच्चे क्लास से बाहर तो नहीं निकले हुए हैं, टीचर धूप तो नहीं सीख रहे. और अगर कुछ ऐसा होता है कि बच्चे घूम रहे होते हैं, मैं तो तभी अपने घर से नीचे आती हूँ और स्कूल में जाके उन्हें क्लास के अंदर भेज देती हूँ. और देखिए, ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. एग्जैक्टली, ये एक अकाउंटेबिलिटी है, ये एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है कि वो महिला जो शायद पहले कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, और उनकी आप कहानी में भी सुनिए तो घर का काम, खाना बनाना, झाड़ू लगाना तो है, लेकिन उन्होंने स्कूल को अपनी जिम्मेदारी समझा हुआ. कितनी बड़ी बात है. एंड नॉट जस्ट दिस, हमारी SMC की टीम में जो बहुत सारे लोग हैं हु आर लाइक द मेन कोर 10-12% पीपल, मैनी ऑफ देम बिफोर दिस वर जस्ट हाउसवाइव्स. और आज आप उन्हें देखिए, वो अपने घर से निकलती हैं, गाड़ी चलाती हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके SMC की मीटिंग्स कर रही हैं, लोगों को ट्रेन कर रही हैं, और एक पूरा कॉर्नर ऑफ स्पेशली वुमेन लीडर्स हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम दिस. मुझे एक बार एक SMC मेंबर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई. वो कहती हैं कि अब मुझे शॉपिंग करने में, कोई छोटी सी चीज़ भी बाज़ार से जाके खरीदने में कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है. तो मैंने पूछा क्यों. कहती हैं क्योंकि पहले मैं अपने एरिया में किसी को जानती नहीं थी, तो कहती मैं दुकान जाती थी, सामान लेती थी, घर आ जाती थी. कहती है अब मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ, क्योंकि मैं SMC मेंबर हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे एरिया से स्कूल में जाते हैं, कहती है मुझे एक छोटा सा सामान खरीदने में 45 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ अब इतने लोगों को जानती हूँ कि कोई स्कूल के बारे में डिस्कस करना चाहता है, कुछ बच्चे आ जाते हैं. सो द काइंड ऑफ लीडरशिप दैट हैज़ इमर्ज्ड ऑन द ग्राउंड, और खासकर के महिलाओं के साथ, जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो हो सकता है पहले कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकली थी, वो एक स्कूल में डिसीजन मेकर बन के बाहर आई हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत बड़ी बात. कोई व्यक्ति, कोई मूवमेंट जो आपको इंस्पायर करता हूँ, मतलब जिसने बहुत हद तक आपको इंस्पिरेशन दियो. मैंने एक आपका खांडवा में जो हुआ था मध्य प्रदेश में, वो इंसिडेंट के बारे में कुछ बताएं, एंड फिर बताएं कि कोई व्यक्ति, कोई इंसिडेंट वैसा इंस्पायरिंग रहा हो. देखिए, जब जो खंडवा में जल सत्याग्रह हुआ था, ये 2015 की बात है, और ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि देखिए, जब हम पॉलिटिक्स में आए थे तो कभी ये सोच के नहीं आए थे कि पॉलिटिक्स में आएंगे. मैं जब आई थी पार्टी में तो मैं पहले मनीष जी को जानती थी, वो तब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट थे, एंड तब मैं एज ए पॉलिसी रिसर्च वॉलंटियर आई थी. फिर ये हुआ कि 2013 में पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो चलिए अच्छे लोग हैं. अच्छा, तब ये भी लगता था कि बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ सुसाइड मिशन कर रहे हैं तो इनकी हेल्प करनी चाहिए. सुसाइड मिशन. और तो यही सोच के, और मैं इंटरेस्टिंगली, तब मैंने अभी आपको बताया भी था कि मैं भोपाल से उससे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करती थी. मेरा दिल्ली में बहुत लंबे समय तक रहने का इरादा नहीं था. अच्छा. तो ये हुआ कि चलो 6 महीने और, अभी 2013 का इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर दिल्ली से बाहर जाके अपना बाकी काम करेंगे. फिर 2013 के बाद पार्टी ने डिसाइड किया कि 14 का लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे. तो 4 महीने और की बात हुई, लेकिन लोकसभा में 2014 में आपको याद होगा आम आदमी पार्टी का डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस रहा. 4 सीटें हम जीते, ऑलमोस्ट 95% सीट्स पे जमानत जब्त हो गई. तब तक दिल्ली की सरकार से भी रिज़ाइन कर दिया था. तो एकदम से माहौल बन गया कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई, आम आदमी पार्टी ख़त्म हो गई. तो मुझे लगा कि मैं अभी जाऊँगी तो ऐसा लगेगा कि भाई वन इज़ लीविंग अ सिंकिंग शिप, और इस समय सारे अपने दोस्त थे कि इस समय छोड़ना ठीक नहीं है. तो मैंने सोचा कि अभी तो एक और इलेक्शन होना ही है, अब प्रेसिडेंट्स रूल में थी दिल्ली, ऐसे कि अभी एक और इलेक्शन तो होगा ही, तो अगला इलेक्शन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद दिल्ली से बाहर जाएंगे अपना बाकी काम करने के लिए. एंड तो 2015 का इलेक्शन भी हो गया, और 2015 के इलेक्शन के समय तो मैंने पूरा मन बनाया हुआ था कि इसके बाद अब बाकी अपना जो बाकी लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू किया जाए.
2015 के इलेक्शन के बाद हमारे ही पार्टी के एक साथी थे जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से आए थे, वो खंडवा में जल सत्याग्रह कर रहे थे डैम की हाइट बढ़ने से रोकने के लिए, और वो और गांव के 20-25 लोग वहाँ पे पानी में खड़े थे। अच्छा। एंड वो ऑलमोस्ट एक महीना पानी में थे। एक महीना पानी में, और ऐसे हालत हो गई थी कि उनके पैर गल रहे थे, उसकी सारी स्किन उतर गई थी, फ्लैश गलने लग गया था, और सरकार को कोई फिक्र नहीं थी, कोई पूछने नहीं आया। आप ये सोचिए, कोई मंत्री कोई सेक्रेटरी तो बहुत दूर की बात है, सरकार ने किसी तहसीलदार तक को नहीं भेजा पूछने के लिए कि इनका क्या हाल है। एंड आई थिंक पर्सनली फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि शायद पॉलिटिक्स के अलावा और कोई तरीका नहीं है, पॉलिटिक्स के अलावा कोई तरीका नहीं है एक आम इंसान की आवाज़ को डिसीजन मेकिंग तक पहुँचाने का। वरना हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश के डिसीजन मेकर्स में इतना एरोगेंस आ गया है, और ये एरोगेंस तो हमने अन्ना मूवमेंट के समय भी देखा था, जब बड़े बड़े नेता और मंत्री कहते थे कि भाई ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि कैसा कानून पास करें। एंड आई थिंक दैट जल सत्याग्रह फॉर मी वॉज, मैं उसके बाद वापस आके फिर उसके बाद मैंने सरकार में काम करना शुरू किया एज एन एडवाइज़र। एंड आई थिंक फॉर मी दैट जल सत्याग्रह वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, क्योंकि ये मुझे उस समय फिर पक्का हो गया कि भाई पॉलिटिक्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम चीज़ें चेंज कर पाएंगे, क्योंकि सोशल मूवमेंट्स के बाद भी आप पॉलिटिक्स पर ही डिपेंडेंट हो कि वहीं पर डिसीजन मेकर्स बैठते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या हश्र होने वाला है। सो दैट फॉर मी वॉज पर्सनली अ वेरी इम्पॉर्टेंट मोमेंट मेरी अपनी लाइफ जर्नी में, क्योंकि उससे पहले आम आदमी पार्टी में होते हुए भी हम लंबे समय तक पॉलिटिक्स में रहेंगे ये ऐसा मूड बना के आए नहीं थे। हाँ, ऐसा एक्चुअली जब हम आए थे तो ऐसे एज अ वॉलंटियर आए थे, पॉलिटिक्स में फुल टाइम आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, अगर किसी ने मुझसे 15 साल पहले पूछा होता, कॉलेज में पूछा होता और कहा होता मुझे कि एक दिन के आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगी, तो मैं शायद बहुत ज़ोर की हंसती कैसी बातें कर रहे हो। आप इंस्पायरिंग लोगों की अगर बात करते हैं तो वैसे तो बहुत क्लीशे लगता है अपने बॉस की तारीफ करना, लेकिन वन पर्सन हु हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी इज मनीष जी। एंड लाइफ में ये बहुत रेयर होता है, मैं देखती हूँ कि अक्सर होता क्या है कि जब आप किसी को थोड़ा कम जानते हो तो आप उनको बहुत एडमायर करते हो, जैसे जैसे आप ज़्यादा जानने लगते हो ना आपका एडमिरेशन थोड़ा कम होता है, कमियां दिखने लगती हैं। हाँ, कमियां दिखने लगती हैं, लेकिन मैं देखूं तो मनीष जी के साथ पिछले 6 साल से मैं काम कर रही हूँ, इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स कि मैं जितना उनको रिस्पेक्ट और एडमायर करती थी जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, और शायद अब मेरा उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो कई गुना बढ़ गया है। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, जिस तरीके से टीम बिल्ड करने का तरीका है, हर व्यक्ति को जोड़ के जिस तरह से वो काम करते हैं, मतलब इट इज़ आउटस्टैंडिंग, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। और दूसरा, अगर आप देखिए, अक्सर आप पॉलिटिक्स में ये देखते हैं और किसी भी फील्ड में देखते हैं कि जो लीडर होता है दूसरों को क्रेडिट देना तो बहुत दूर की बात है, औरों का क्रेडिट अक्सर लोग अपने नाम पर ले लेते हैं, छीन लेते हैं। एग्जैक्टली, जब मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, इनफैक्ट मुझे इलेक्शन लड़वाने के लिए भी मुझे सबसे पहले कहा और समझाया और कन्विंस मनीष जी ने किया। अच्छा। और मैं सोचती हूँ कि एज अ लीडर, मैं तो उनकी एडवाइज़र थी, मैं तो उनके साथ काम कर ही रही थी, कि उन कहीं ना कहीं उनका काम सफ़र भी किया होगा फॉर समवन हु वाज मैनेजिंग मेनी थिंग्स फॉर हिम, बट फॉर हिम टू से कि नहीं, हम चाहते हैं कि अच्छे लोग मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स में आए, तो हो सकता है कि मेरा अपना इमीडिएट काम सफ़र करे, बट यू मस्ट फाइट इलेक्शंस। और जब मैंने इलेक्शन लड़ा भी तो मनीष जी ने अक्सर स्टेज से खड़े होकर कहा कि जो आप स्कूलों में काम देख रहे हैं वो सारा काम आतिशी ने किया। अरे वो एक तो ये सच नहीं है, सारा काम तो मैंने किया भी नहीं है, बट टू गिव मोर क्रेडिट देन इज ड्यू टू समवन हु इज वर्किंग विद यू इज अ वेरी रेयर क्वालिटी, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर मनीष जी। जैसे आप छोटी छोटी अपना स्कूल की गर्ल्स की बात कर रही हो, SNC मेंबर्स की बात कर रहे हो, ऐसी सैकड़ों हज़ारों जाने कितनी वुमेन को आपने इंस्पायर किया होगा। गोइंग फॉरवर्ड
आपको क्या लगता है कि क्या ये रोल बढ़ने वाला है, क्या ये फासले कम होने वाले हैं, एटलीस्ट शहर की राजनीति में? देखिए, विमेन, जैसा मैंने कहा, विमेन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स, इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो. एक महिला जो दिल्ली में रहती है, वो रात के 8 बजे ये डेफिनेटली सोच रही होती है कि अब मैं घर कैसे वापस जाऊंगी. एक लड़की जो वेल एजुकेटेड भी है, आई रिमेम्बर मेरे साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, एंड आफ्टर हर मैरिज शी सेड कि यार अभी आई कॉन्ट हैव किड्स फॉर 6 ईयर्स, बिकॉज पहले मुझे अपनी लॉ फर्म में पार्टनर बनना है, और उस लॉ फर्म में पार्टनर बनने के बाद ही मैं आई प्लान टू हैव किड्स, वरना मैंने एक साल में छुट्टी ले ली, एक साल की छुट्टी ले ली मैटर्निटी लीव, तो मैं फिर कभी पार्टनर नहीं बन पाऊँ. सो फॉर समवन हु इज स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, नॉट जस्ट इन द कंट्री बट इन द वर्ल्ड, राइट, एंड फॉर देम टू हैव टू इवन इन मेन स्ट्रीम करियर्स हैव टू थिंक अबाउट दिस. तो पॉलिटिक्स उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है. पॉलिटिक्स एक 24/7 जॉब है. पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप हमेशा पब्लिक आई में होते हो, जहाँ पे हमेशा आपसे सवाल उठाया जा सकता है, जिसपे महिलाओं पे लांछन लगाना बहुत आसान है कि भाई किस पुरुष के साथ घूम रही थी. हाँ? तो घर वाले सोचेंगे भाई उसके साथ, उसके पीछे बाइक पे बैठ के घूम रही थी. सो डेफिनेटली महिलाओं के लिए चैलेंजेस ज़्यादा तो हैं, बिल्कुल, इस पर कोई दो राय नहीं. लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अब एटलीस्ट अगर आप गवर्नेंस में देखिए, डेफिनेटली इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी पार्टी में भी कम महिलाएँ हैं, लेकिन अगर आप गवर्नेंस में देखिए तो आज अगर आप दिल्ली सचिवालय में आइए तो मुझे लगता है कि जितने आपको लड़के मिलेंगे उतनी लड़कियां मिलेंगी, कई जगह तो ज़्यादा भी मिलेंगी, शायद ज़्यादा भी मिलेंगी. ब्यूरोक्रेट्स में तो नॉट जस्ट इन ब्यूरोक्रेट्स बट अ लॉट ऑफ द टीम दैट आर गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑन, बी इट एडवाइजर्स, बी इट अ लॉट ऑफ द यंग फेलोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस, बी इट अ लॉट ऑफ आर वॉलंटियर्स. तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के माध्यम से ये फासले कम भी हो सकते हैं. ऑल्सो बिकॉज मैं देखती हूँ हमारी एक बहुत साफ़ सुथरी पार्टी है. लाइक मुझे कभी इन ऑल दीज ईयर्स, जैसे लोग अक्सर पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं कि भाई माहौल कैसा है, मुझे इस सवाल के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ा. एंड देर हैव बीन टाइम्स व्हेन इन मेनी केसेस हम एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे हैं, हम पूरे कमरे में से मैं इकलौती महिला हूँ, लेकिन मुझे माहौल के बारे में या किसी ने गलत भाषा का प्रयोग किया हो या गलत तरीके से देखा हो, ये कभी ख्याल भी नहीं आया. बहुत बड़ी बात है. एंड आई थिंक ये सेफ स्पेस अगर हम लड़कियों को प्रोवाइड कर पाएँ तो उससे उनके घर वालों का भी कॉन्फिडेंस होता है. जैसे मेरी टीम में इतनी लड़कियां हैं, वो मेरे कैंपेन के दौरान कभी रात को 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे भी अपने घर वापस गई, लेकिन घर वालों का भी एक कॉन्फिडेंस है कि वो हमारे साथ हैं तो वो सेफ हैं. बिल्कुल. सेंट स्टीफंस के दिनों के बारे में कुछ बता पाओगी? पर अक्सर होता ही है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना, वो अपने नोट्स दबा के रखते हैं और वो किसी से शेयर नहीं करते हैं. अच्छा. एंड जब मैं कॉलेज में थी तो तब भी पढ़ाई में तो चलिए मैं ठीक थी, तो जब भी मुझसे कोई नोट्स मांगता था तो मैं सबको दे दिया करती. ओपन सोर्स. मैं ओपन सोर्स देती थी. तो मेरे अक्सर तब क्लासमेट्स ने भी मेरे नोट्स फोटोकॉपी करे होंगे, उनसे पढ़ाई करी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था भाई जो मुझे आता है वो तो मुझे आता ही है. आपका कॉलेज भी बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से चला. नहीं, देखिए मुझे लगता था जो मुझे आता है वो तो मुझे आता ही है, तो किसी के अपने नोट्स शेयर करने से मेरी नॉलेज थोड़ी कम हो जाती है. एंड तो मैं अपने नोट्स शेयर किया करती थी, और एक्चुअली मैं ना बहुत क्योंकि मैं नोट्स अक्सर शेयर किया करती थी तो वो इधर उधर भी हो जाते थे, तो मैंने अपने नोट्स को एक बाइंडर में स्पाइरल बाउंड किया हुआ था. अच्छा. कि वो इधर उधर गुम ना जाए, और मैं भी थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड हो, तो वही स्पाइरल बाउंड फोल्डर हमारे कॉलेज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा था. और हमारी टीम में एक तरीशी करके हमारी एक टीम में वॉलंटियर हैं, वो जब कई साल पहले आई थी एजुकेशन टीम में काम करने के लिए, तो उसने भी सेंट स्टीफंस कॉलेज से हिस्ट्री पढ़ा हुआ है. मुझे कहती है आई डेंट रियलाइज आप हमारे इतने सीनियर थे, मुझे तो लगता था आप 2-3 बैच हमारे सीनियर हो. बिकॉज ऑल शी न्यू अबाउट यू वाज फ्रॉम माय नोट्स. ओह माय गॉड. तो अब ये लोग मुझे बताते हैं, अब मैंने खुद तो नहीं देखा, बट मेरा मन है कि एक दिन मैं जाऊँगी, कि जब मैं कॉलेज में थी तब तो हैंड रिटन हमारे नोट्स होते थे, तो वो कई सालों तक साल दर साल फोटोकॉपी होते रहे,
और वो फोटोकॉपी की दुकान पे बिकते थे, हमारे सेंट स्टीफंस की फोटोकॉपी की दुकान पे। आप पेनड्राइव में बिकते होंगे? यस, ये मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बताया है कि जो हमारे फोटोकॉपी की दुकान वाला है, सोनी करके एक है, तब तो लड़का होता था, अब तो बड़ा ही हो गया होगा। तो सोनी ने उन नोट्स का सॉफ्ट कॉपी बना के अब वो नोट्स को पेनड्राइव में बेचता है। सोनी को मशहूर कर दिया आपने। एक बार ऋचा चड्ढा ने भी ट्वीट किया था कि आपके नोट्स, मैंने कहीं पढ़ा है ऐसा। हाँ, जब मुझे एडवाइजर से सैक किया गया था, एलजी साहब ने जब सैक किया था, तो तब ऋचा चड्ढा ने, वो भी जूनियर थी, आई एम नॉट श्योर कौन से मैच की थी, पर अभी तक ये तो है। तो मैं एक आम आदमी पार्टी में आने से पहले भी एक नीश सेलिब्रिटी थी। और आपने, मैंने को पता चला था कि आपने कोई एक सेशन में कुछ क्लासेस बंक वगैरह भी किए। वो तो हम करते ही थे, देखिए कॉलेज है, कॉलेज में अगर आप बंक नहीं करेंगे तो वो कैसा कॉलेज। कितना कितना क्लासेस बंक किए? तो देखिए सेंट स्टीफंस कॉलेज में आपको क्लासेस तो अटेंड करनी पड़ती थी, वरना वो बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, और आपको अटेंडेंस के लिए स्ट्रिक्ट होते थे, और आपको अटेंडेंस का वो नहीं देते, आपको रोल नंबर नहीं देते थे, एग्जाम में नहीं बैठने देते थे। तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती थी 66% अटेंडेंस, पर सेंट स्टीफंस की रिक्वायरमेंट होती थी 75% अटेंडेंस। पर तो फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी अच्छी अटेंडेंस थी, सेकेंड ईयर में थोड़ी कम हुई, पर 75 के तो ऊपर थी। लेकिन थर्ड ईयर में आते आते होता क्या है कि फाइनल ईयर में वो से थर्ड ईयर की अटेंडेंस नहीं लेते, वो तीनों साल की कंबाइन लेते हैं। तो मैं जब कॉलेज में थी, मैं अपने कॉलेज की थिएटर सोसाइटी की सेक्रेटरी थी। अच्छा, हाँ। आपने थिएटर भी किया? हाँ, थिएटर भी किया, थिएटर मैंने काफ़ी किया है। अच्छा। तो मैं थिएटर सोसाइटी की सेक्रेटरी थी, और शेक्सपियर सोसाइटी उसे कहते थे, शेक्सपियर सोसाइटी, और मैं हिंदी वाले जो थिएटर सोसाइटी थी उसकी प्रेसिडेंट थी, तो हिंदी शेक्सॉक कहते थे उसे कॉलेज में, तो मैं हिंदी शेक्सॉक की प्रेसिडेंट थी, नॉट सेक्रेटरी। तो हमारे जो स्टाफ एडवाइज़र साहब थे, उन्होंने कहा कि देखो आतिशी, अब तो तुम प्रेसिडेंट बन गई हो, तो इस साल की एनुअल प्रोडक्शन में तुम एक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को सारा काम संभालना होता है, प्रोडक्शन, स्पॉन्सरशिप, कॉलेज के साथ सारा मैनेजमेंट। तो मैंने कहा कि सर वो तो करना ही है, उसी की वजह से तो आए। कहते हैं कैसे मैनेज करोगे? तो मैंने कहा नहीं सर, कर लेंगे। तो हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन होता था वो सेकंड सेमेस्टर के एंड में होता था, तो क्योंकि हमें प्रेसिडेंट भी बनना था और क्योंकि हमें एनुअल प्रोडक्शन में लीड रोल भी करना था, तो इसलिए सेकंड सेमेस्टर में मैंने एक भी क्लास अटेंड, और 75% वो मेंटेन हुई। वो तीनों सालों की मैंने कहा ना थर्ड ईयर। तो इट वाज अ प्लान्ड, ओके, सो इट वाज अ प्लान्ड मूव। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं सीधा थर्ड सेमेस्टर में क्लास गई। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि ऑब्वियसली अब एक सेमेस्टर अटेंड नहीं किया तो कोई आइडिया ही नहीं था कि क्लास में क्या हुआ, लेकिन क्लास में अब एक बार ही आ गए तो हम सवाल भी पूछते थे और क्या हो रहा है। तो हमारी एक दिन मैंने हमारी टीचर से किसी चीज़ पर सवाल पूछा, तो वो मुझे देखती हैं, कहती हैं देखो आतिशी, तुम एक सेमेस्टर क्लास में नहीं आई, हमने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा। अब आज जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ है, उसमें आप कोई सवाल ना पूछे तो बेहतर है। तो वो काफी फनी था कि वो बट वी हैड गुड टीचर्स, वी हैड, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सेंट स्टीफंस के बारे में। एक और बड़ा इंटरेस्ट, तो मैं, मेरे पेरेंट्स खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो मेरी मदर हिंदू कॉलेज में पढ़ाती थी और मैं हिंदू कॉलेज के कैंपस में रहती थी। अच्छा। अब हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफंस कॉलेज की बहुत राइवलरी है, पर उसका फ़ायदा ये होता था कैंपस में रहने का कि 8:50 पे हमारी पहली क्लास होती थी, तो मैं अपने घर से 8:45 और 8:48 के बीच में निकलती थी कि मैं 8:50 की क्लास में टाइम से पहुँच सकूँ। तो जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी, तो मुझे ऐसा भ्रम था कि मेरे टीचर्स को पता नहीं है कि मैं यहीं पे रहती हूँ, जबकि मेरे अपने पेरेंट्स हिस्ट्री के ही प्रोफेसर थे और मैं हिस्ट्री ही पढ़ रही थी। तो आपने वो पर मैं इस भ्रम में रहती थी। तो मैं अक्सर जब लेट हो जाती थी तो टीचर पूछती थी क्या हुआ, तो मैंने कहा जी बस लेट थी। एक बस होती है यूनिवर्सिटी स्पेशल, यू स्पेशल कहते हैं उसे, जो यूनिवर्सिटी आती थी। तो मैंने कहा मैम यू स्पेशल लेट थी। हमारी एक टीचर बेचारी इतनी भली थी कि वो पूरे सेमेस्टर तक मेरा ये एक्सक्यूज सुनती रही, लेकिन उन्होंने बताया कि उनको पता है। अरे वाह। हम एक बार कॉलेज ट्रिप से वापस आ रहे थे, तो ऐसी रात काफ़ी लेट नाइट वापस आए हम, तो मैंने उनको कहा कि मैम मैं निकल जाऊँ, मैं पास में ही रहती हूँ कहीं पर। कहती हाँ तुम तो ये हिंदू कॉलेज कैंपस में रहते हो। मैंने एक सेमेस्टर से क्लास में लेट आके ये बता रही हूँ कि
मेरी यू स्पेशल लेट थी, इतनी बड़ी बात, बट शी वाज वेरी काइंड, शी वाज वेरी जेनरस। यस यस, आपको मैं 4-5 नाम लूंगा और आपके माइंड में क्या परसेप्शन बनता है उनको लेके, या क्या शब्द आपको क्लिक करता है बताइएगा। ये नया शुरू किया आज आपसे, रैपिड फायर। रैपिड फायर नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉस, स्टार्ट विद एन इजी वन। नो नो, इजी वन। ओके, राहुल गांधी शुड नॉट बी इन पॉलिटिक्स। ओके, गौतम गंभीर। Okay, I'm thinking of a polite word to say. Nahin, nahin. Come raw, be as genuine as possible. Gautam Gambhir, farzi pamphlet. Okay. Sambit Patra. Oh my God. Aapne zarur face kiya hoga TV pe unko kai baar. Aur aage bhi karoge. Sambit Patra. Bhai, waise toh uski daat deni padegi. Matlab, uski daat isliye deni padegi कि जितना उसमें परसिवियरेंस है कि बेतुकी बात वो नॉन स्टॉप करता रहता है, सो यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट कि अपनी पार्टी उसकी उनकी पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन वो जान लगा देता है अपनी पार्टी की चीज़ों को डिफेंड करने के लिए। तो व्हाट इज द वन वर्ड, व्हाट इज बेतुकी बात ही कहूंगी। ओके, नाउ द सीरियस वन, Arvind Kejriwal. Fearlessness, which I think he has given to all of us also, and I think hats off to him for that. कि उन्होंने हमारी पार्टी की DNA में ही ऊपर से नीचे तक वो courage और fearlessness, जिसकी इस कंट्री को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और सही समय पर। बिल्कुल, मतलब आंदोलन से लेके और आज तक शायद courage और fear के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे। थैंक यू सो मच अतिशी, आपसे बात करके मज़ा आ गया और इतनी अच्छी लोकेशन को आपने जस्टिफाई किया है आज। बिल्कुल शानदार, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। मैं शेयर कर रही थी कि बचपन में हम यहाँ पे आया करते थे, पर दिल्ली के बारे में ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि दिल्ली एज अ शहर में मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली में रहूँगी। मैंने हमेशा सोचा था कि किसी छोटे शहर में या गाँव में जाके काम करेंगे, पर दिल्ली के बारे में, दिल्ली में बहुत बहुत चीज़ें हैं जो कई बार पसंद नहीं आती हैं। पोल्यूशन बहुत क्राउडेड है, शोर है, लेकिन दिल्ली के बारे में ये बहुत खास बात है कि दिल्ली के बीचों बीच ऐसी सुंदर पॉकेट्स, गार्डन्स हैं कि आपको लगता है कि एकदम जन्नत में आ गए हैं आप। ठीक है, भगवान बुद्ध को नमस्कार करेंगे और आज आपसे विदा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।